छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में पुलिस ने दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों पति पत्नी उड़ीसा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों उड़ीसा से गांजा लाकर छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेचने जा रहे थे। कवर्धा पुलिस को मुखबिरों द्वारा सूचना मिली थी कि बस स्टैंड पर पति पत्नी गांजे की बड़ी खेप लेकर बैठे हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने छापामार कार्यवाही करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से करीब 3 लाख रुपए कीमत का गांजा बरामद किया गया है।